नहीं जमुने, आज हमें रक्तदान शिविर में जाना है। रक्तदान शिविर? ये क्या होता है उस्ताद? आ, तुझे आज पूरी में फिल्म दिखाता हूँ। अरे वाह उस्ताद, फिल्म देखेंगे, चलो चलो। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का बुखार उतरने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, क्या उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं? हाँ उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, पर क्या डॉक्टर, पर क्या? आपकी बेटी को डेंगू हुआ है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, जिस वजह से उसे खून चलाना पड़ेगा, तो आप जल्द से जल्द खून का अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अरेंज कर। भैया हमारी बेटी को खून की जरूरत है, क्या आप हमें डोनेट कर सकते हैं? यार भाई मैंने आज ड्रिंक कर रखी है, मैं नहीं दे सकता ब्लड। मेरी बेटी को खून की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी बेटी के लिए खून डोनेट कर दो प्लीज। अरे नहीं रही, मैं नहीं दे सकती, आपको दिखता नहीं मैं कितनी कमजोर हूँ। भाई मेरी बेटी एडमिट है, क्या आप उसके लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं प्लीज? नहीं मैं नहीं कर सकता प्लीज, नहीं मैं नहीं करता, मुझे डर लगता है। सॉरी सॉरी जा। मेरी बेटी को खून की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी बेटी के लिए खून डोनेट कर दो प्लीज। आई एम सॉरी, मैं ब्लड तो डोनेट नहीं कर सकती, लेकिन परिवर्तन द चेंज करके एक संस्था है, मैं उसका तुम्हें नंबर दे सकती हूँ, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। थैंक यू। हेलो, आप परिवर्तन एनजीओ से बात कर रहे हैं? हमें अर्जेंट खून की जरूरत है, क्या आप हमें दिलवा सकते हैं? आपके पास रिक्वेस्ट लेटर है क्या? अरे उस्ताद, ये रिक्वेस्ट लेटर क्या होता है? हम बगैर रिक्वेस्ट लेटर के भी तो डोनेशन करा सकते हैं ना? अरे जमुरे, रिक्वेस्ट लेटर बहुत जरूरी है, कैसे पता लगेगा कि केस फेक है या फिर असली है? कोई खून जाके बेच भी तो सकता है। सही कह रहे हैं उस्ताद। हाँ हमारे पास रिक्वेस्ट लेटर है, हम भेजते हैं। अबे यार परिवर्तन से कॉल, पक्का फिर से ब्लड डोनेशन दियो। हेलो, मैं परिवर्तन द चेंज एनजीओ से बात कर रहा हूँ, अभी ब्लड की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, क्या आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? हाँ मैं ब्लड डोनेट कर दूंगा, पर आप मेरे को लोकेशन सेंड कर दो। ठीक है मैं आपको भेजता हूँ लोकेशन। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ। अच्छा आइए। डॉक्टर साहब मेरे को कुछ होगा तो नहीं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आज से पहले कभी ब्लड डोनेशन नहीं किए क्या? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आपके टेस्ट होंगे सारे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। आई एम सॉरी लेकिन आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से हम लोग आपका ब्लड नहीं निकाल सकते। अरे उस्ताद, ये इसका खून क्यों नहीं निकला? अरे जमुरे, इस नमूने ने आज तक कभी खून तो दिया ही नहीं, इसको ये ही नहीं पता इसका हीमोग्लोबिन कितना है, इसकी प्लेटलेट्स कितनी है, या ये कभी खून दे सकता भी है नहीं दे सकता। अच्छा उस्ताद, ऐसा भी कुछ होता है? और क्या नहीं जमुरे। हेलो, मैं परिवर्तन द चेंज एनजीओ से बात कर रहा हूँ, अभी ब्लड की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, क्या आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं? हाँ मैं रेडी हूँ, आप जहाँ बताएंगे मैं वहाँ चले जाऊंगा ब्लड डोनेट करने के लिए। ठीक है सर, मैं आपको एड्रेस साइन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ। अच्छा आइए। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। अरे अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा पापा ये क्या हो रहा है? बेटा ये ब्लड डोनेशन कैंप है, यहाँ लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ये जिसको करवाना होता है वो यहाँ पर अपना नाम नोट करवा देता है। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो मेरे को अपना नाम लिखवाना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें ब्लड डोनेट कभी नहीं करना है, इससे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती है। पापा पापा, आप मुझे बचा लोगे ना? कहाँ बेटी, मैं तेरे को बचा लूंगा, परेशान मत हो। डॉक्टर डॉक्टर आप प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। आप घबराइए मत, लेकिन आपकी बेटी का ना बहुत ज्यादा खून निकल चुका है और हमें और ज्यादा ब्लड उसको चढ़ाना पड़ेगा, और ब्लड बैंक में अभी है नहीं, तो प्लीज आप जल्द से जल्द ब्लड का अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द ब्लड का अरेंज कर दूंगा। हाँ ठीक है, आप जल्दी से ले आइए। डॉक्टर डॉक्टर ब्लड का अरेंज नहीं हो पाया, क्या आप कुछ पैसे लेकर ब्लड का अरेंज कर सकते हो? आई एम सॉरी, लेकिन ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। बेटा आई एम सॉरी, मैं तेरे को तो नहीं बचा पाया, पर लेकिन आगे से मैं किसी की भी ब्लड की वजह से मृत्यु नहीं होने दूंगा। हेलो, हाँ
सर आप ब्लड का अरेंजमेंट करा सकते हैं क्या? हमें अर्जेंट नीड है। हाँ जी बिल्कुल करा सकते हैं, आप हमें रिक्वेस्ट लेटर सेंड करिए। ठीक ठीक सर, मैं आपको करता हूँ इसी नंबर पे। जी जी ठीक है। और भाई ब्लड की जरूरत है क्या? हाँ जी है, तो आप अरेंज करा सकते हैं क्या कहीं से? हाँ हाँ अरेंज तो करा देंगे, पर 15,000 रुपए ना भैया। 15,000 रुपया? इतना ज्यादा? अरे उस्ताद ये ब्लड बिकता है। और क्या जमूरे, पूरा मार्केट है इसका बहुत बड़ा, खून चूसते हैं बेचते हैं, चूसते हैं बेचते हैं। अरे उस्ताद फिर तो हमको भी करना चाहिए। चुप जमूरे चुप। क्या 15,000? मैम थोड़ा कम हो सकता है क्या प्लीज? ना ना भैया 15,000 रुपया लगेगा, सीधी सीधी बात है। अरेंज हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी लाता हूँ मैं डोनर, तुम पैसे का इंतजाम करके रखो। जी 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 मैं देखता हूँ। ठीक है मैं लाता हूँ। सर ब्लड का अरेंजमेंट हो गया है तो आप प्लीज रहने दीजिएगा। भैया कहाँ से हुआ आपका? सर यहीं पास में मुझे एक मिल गए, वो मुझे 15,000 रुपए में दे रहे हैं। क्या 15,000 में? जी जी जी। तो आप 5 मिनट के लिए रुकवा सकते हैं डोनेशन? हाँ हाँ सर बताइए। मैं बस 5 मिनट में। चलिए सर प्लीज जल्दी करिएगा। ठीक। और भाई हो गया पैसों का अरेंजमेंट? हाँ जी हाँ जी हो गया। ठीक है तो एक काम करो, ये रहा तुम्हारा बंदा और चलो ब्लड डोनेशन कराने सर। चलिए मैं बस 2 मिनट रुके, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है फिर चलते हैं। अरे 2 मिनट क्यों? बस मैं 2 मिनट बस। तो ठीक है ठीक है। हाँ जी कौन था जो ब्लड दे रहा है? हाँ सर ये। हाँ जी मैम सर ये दे रहे हैं ब्लड। हाँ भाई ज्यादा ही ब्लड निकालने आ रहे हो। सर सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा सर। खून बेचेगा तू? अरे सर सर क्या हो गया ना? अरे तू मेरा 20,000 में निकाल ले खून। अरे सर बात तो सुनो सर। क्या बात सुनू तेरी, एक डंडा पीछे पड़ेगा ना सारा सर सर निकल जाए, सर 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 कर पड़ा है। चल तू तो थाने चल, तुझे बताता हूं। बोला था ना चमुरे गलत धंधा है ये। और आप भी बड़े पागल हैं जो इससे खून ले रहे हैं, इसकी हालत तो देखिए जरा इंसान की, ना पूछ सकते इंसान है ये। वो बस मैम अर्जेंट में जरूरत थी इसलिए बस। सर आपको इसका ब्लड ही नहीं लेना था क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी हालत कैसी है, आपका जो पेशेंट है उसको भी इन्फेक्टेड करेगा। और सर ब्लड कभी भी दिखता नहीं है, हम लोग डोनेट कर सकते हैं, रक्तदान महादान होता है। चलिए थैंक यू सर आप आ गए यहाँ पे। ठीक हम अभी करते हैं आपके ब्लड। और आगे से ध्यान रखना कभी भी ब्लड खरीदना नहीं, और कोई मांगता है पैसे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ठीक है? ठीक है सर। और तू जो चल हमारे देश में हर रोज 25,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उसमें से लगभग